फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माई हॉबीज़ गार्डनिंग में। और दोस्तों, आज हम आपके साथ में एक इम्पॉर्टेंट बात है वही शेयर करने जा रहे हैं। कंटेंट है, उसे आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा और आप लोगों को भी जानकारी मिलेगी। कुछ लोगों को तो होगी, कुछ को नहीं होगी इसलिए। और ये जानकारी मैंने सकुलेंट प्लांट अपने सिंडल में हमने जो रिपोर्ट किए हैं उसी से रिलेटेड है। हमसे क्वेश्चन किया गया है कि ये सिंडल क्या है, तो हम आज यही बताने जा रहे हैं कि सिंडल बेसिकली है क्या और हम इसका यूज़ अपने प्लांट में क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं और हमें क्यों करना चाहिए और कौन कौन से प्लांट में हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। तो मेरे पास सिंडल था नहीं और मैं सिंडल अभी लेके आई हूँ, क्योंकि मेरे पास जो सिंडल था वो तो यूज़ हो गया था, तो मैं अभी लेके आई हूँ और मैं उसी पे आप लोगों से आज बात करने जा रही हूँ। और आप लोग देखिएगा, ध्यान से पूरा देखिएगा दोस्तों, जिससे कि अच्छे से जो भी बात मैं बताऊँगी वो आप लोगों तक पहुँच जाएगी। और अगर कोई बात समझ में नहीं आए या कुछ और पूछना हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि कभी कभी कोई बात अगर रह गई है बताने में, मिस हो गई है, तो उसके लिए सॉरी, आप लोग फिर से मुझसे पूछ सकते हैं। क्योंकि मेरे घर के पास में काम चल रहा है तो बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है, टाइल्स कट रहे हैं, तो उसमें मैं बीच में ब्रेक ले लेके मैं काम कर रही हूँ। एक फ्लो के साथ काम करना, ब्रेक ले लेके काम करने में थोड़ा सा अंतर हो जाता है, इसलिए तो हो सकता कोई बात माइंड से मिस हो जाए। इसलिए चलिए दोस्तों, आपको अब मैं सिंडल दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, ये है सिंडल। मुझसे पूछा गया है कि सिंडल क्या है, मेरी एक सब्सक्राइबर दोस्त ने मुझसे पूछा है, कल ही उसका मैसेज आया है, एक बार और आया था तो मैंने उसे शायद मैंने बताया था, लेकिन अब मैं इस पर वीडियो में मैं बना रही हूँ कि सिंडल क्या है। ये देखिए, सिंडल पत्थर होता है, पत्थर वाला कोयला जिसे बोलते हैं। एक होता है लकड़ी का कोयला, एक होता है पत्थर का कोयला। तो ये पत्थर का कोयला होता है, उसको हाई टेम्परेचर पे जला के यूज़ किया जाता है। और ये यूज़ कहाँ होता है, इसका यूज़ लोहार करते हैं और ये आयरन मिल्स वगैरह होती हैं वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। और इसका यूज़ वहाँ पे क्यों किया जाता है, क्योंकि ये बहुत देर तक मतलब जलता रहता है, इस वजह से इसका यूज़ वहाँ पे किया जाता है। इसका यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि ये बहुत देर तक जलता रहता है। और जब ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे जल के जब ये बिल्कुल वेस्ट हो जाता है तब इसको फेंक दिया जाता है। तो ये इतने तो ये छोटे टुकड़े हैं, छोटे छोटा वाला है और इसके मतलब इतने बड़े बड़े पीस भी होते हैं, इतने बड़े पीस भी होते हैं। जब मैंने सकुलेंट के प्लांट रिपोर्ट किए थे तो मेरे पास वो बड़ा वाला सिंडल था जिसको मैंने पॉट में नीचे डाल दिया था, लेकिन हमें प्लांट लगाने के लिए ये छोटा वाला सिंडल सबसे बेस्ट होता है। अगर हमारे पास बड़ा बड़ा सिंडल है भी तो हम उसे तोड़ के छोटा कर लें। और इसमें हम प्लांट क्यों लगाते हैं, किस लिए लगाते हैं और कौन से प्लांट लगाते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है, तो उनके भी आंसर मैं आपको दे रही हूँ। लेकिन सबसे पहले नंबर पे एक चीज़ आपको बताना बहुत ज़रूरी है, सिंडल का हम इस तरह से यूज़ नहीं कर सकते। ये सिंडल छान के आता है, इसके बाद भी इसमें देखिए कितनी डस्ट होती, मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ, क्योंकि मैं धो के भी आपके साथ में शेयर किया है। जब मैंने सिंडल वॉश किया था तब मैंने शेयर किया था। ये देखिए, ये रेत है ना, जो ये अगर इसकी राख, ये पत्थर की राख है, ये हमारे प्लांट को बहुत नुकसान पहुँचाएगी, इसमें हमारा प्लांट जो है मर जाएगा, इसलिए हमें इसको ऐसे ही यूज़ नहीं करना है, इसको हमें वॉश करना है। इसको हमें तब तक वॉश करना है जब तक कि इसके में से मिट्टी बिल्कुल ही ना निकल जाए, बिल्कुल क्लीन हो जाना चाहिए ये मेरा सिंडल बिल्कुल ऐसे। और फिर लास्ट में इसको हमें फंगिसाइड के पानी से भी वॉश करना है,
तब हमें इसका यूज़ अपने प्लांट में करना है। और इसमें इसका यूज़ हम प्लांट में क्यों करते हैं? इसका यूज़ हम प्लांट में इसलिए करते हैं क्योंकि इसके यूज़ से हमारे प्लांट हेल्दी रहते हैं, बहुत अच्छी उनमें ग्रोथ होती है, क्योंकि इनमें एयर सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है, नंबर एक। नंबर दो, इसमें फंगस का, पेस्ट का, इंसेक्ट का, किसी भी प्रकार का कोई भी असर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये इतने हाई टेम्परेचर पे जलाया गया है ना, तो ये स्टेलाइज हो गया है। इसमें किसी प्रकार का भी प्लांट आप लगाएंगे, उसमें इन सब चीज़ों का आपको कोई भी डर नहीं होगा, इसमें किसी भी प्रकार का अटैक नहीं होगा, किसी भी तरह से प्लांट हमारा सेफ रहेगा। और इसको सिर्फ सिंडर में ही हम प्लांट नहीं लगा सकते, क्योंकि इसमें नमी नहीं होती है। इसमें आप पानी डालेंगे, बिल्कुल प्लांट से पानी बिल्कुल निकल जाएगा और ये पानी को होल्ड नहीं करता है। इसलिए हमें अगर प्लांट में नमी भी चाहिए, इसके साथ हमें इसी की बराबर मात्रा में के बराबर जितना हम सिंडल लेंगे उतना ही हम वर्मी कंपोस्ट भी लेंगे, उसी के बराबर हमें वर्मी कंपोस्ट लेना है, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट जो है हमारे पानी को थोड़ा सा होल्ड कर लेती है, जिससे कि हमारे प्लांट को पानी भी मिलेगा और ठंडक भी मिलेगी। सिंडल में रूट्स बहुत अच्छे से हमारे प्लांट की ग्रो होती हैं, क्योंकि उनको अच्छे से स्पेस मिलता है। और नंबर दो, एयर सर्कुलेशन बहुत ही अच्छा होता है, हमारे प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं उनको एयर बहुत अच्छी मिल जाती है। इसलिए लोग अब तो रोज प्लांट भी सिंडर में लगाने लग गए हैं। सिंडर में हम कौन कौन से प्लांट लगा सकते हैं? रोज़ है, अरेनियम है, कैक्टस है और सकुलेंट है। क्यों? हम देखिए, रोज़ प्लांट इसमें इसलिए हम लोग लगाने लग गए हैं क्योंकि इसमें प्लांट की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है, पर उसमें क्या है, पीएच लेवल मेंटेन नहीं हो पाता है और खाद जो है बहुत अच्छे से फिर हमें यूज़ करनी पड़ती है। और नंबर दो, उसमें हमें वाटरिंग फिर अच्छे से ध्यान से करनी पड़ती है, गर्मियों में दो दो तीन तीन बार हमें फिर वाटरिंग करनी पड़ेगी क्योंकि इसमें पानी रुकता नहीं है। ठीक है, तो इसके तो इसलिए जो लोगों को एक्सपीरियंस है सिंडल में प्लांट लगाने का, वही लोग रोज़ प्लांट अपने इसमें लगाएं, वरना कैक्टस के प्लांट, सकुलेंट के प्लांट और अरेनियम के प्लांट को पानी की कम ज़रूरत होती है, तो वो वाले प्लांट हम लोग इसमें ईजली लगा सकते हैं कि हमने पानी दिया और हमारा पानी बाहर हो गया हमारे प्लांट में, क्योंकि ये ऐसे प्लांट हैं कि इनमें खुद पानी होल्ड होता है और रोज़ के प्लांट में पानी होल्ड नहीं होता है, क्योंकि उसमें तो पानी की नीड होती ही है। इसलिए और इसमें क्या करना है हमें, जब हम सिंडर में अपना प्लांट लगाएंगे तो हमें रोज़ ही अपने प्लांट को पानी देना पड़ेगा। हम सिंडर में अपने प्लांट्स गर्मियों में जरूर लगाते हैं क्योंकि ये थोड़ा ठंडक दे देता है। भीगने के बाद इसमें, अब मैंने हाथ में लिया है तो इससे मुझे ठंडक मिल रही है, इसलिए मैंने अपने सकुलेंट जो है सिंडर में रिपोर्ट किए हैं, और सिंडर मेरे पास नहीं था। ये ठंडक बहुत अच्छी देता है, इसलिए मैंने इसको सकुलेंट को लगाया है गर्मियों में सकुलेंट को बचाने के लिए। लेकिन सिंडल का जब भी आप लोग यूज़ करें, अच्छे से वॉश करके, ये देखिए ज़रा सा सिंडल है लेकिन पूरी बाल्टी गंदी हो गई, अभी इसको फेंक के और पानी में मैं धोऊंगी, और ये जितना भी खरपतवार है ये देखिए इस तरह से ये सारा ही क्लीन करना है। मैंने अपने वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर किया है जब मैंने सिंडल को किस तरह से वॉश करें, मैंने इस पे भी एक वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर की है, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से इसको मैंने क्लीन किया है।
और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा सिंडर क्या है और इसे क्यों हम यूज़ करते हैं और किस तरह से हमें यूज़ करना है और किस किस प्लांट में यूज़ करना है और किस तरह से हमें वाटरिंग देनी है, कौन सी खाद देनी है, वर्मी कंपोस्ट और नीम खली बस दे दीजिए और इसमें कुछ भी डालने की आपको ज़रूरत नहीं है। और इसमें बस वाटरिंग का ख्याल रखना है कि क्योंकि सिंडर में पानी रुकता नहीं है, तो जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो आपको रोज़ ही वाटरिंग करनी है। तो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक से और सब्सक्राइब जो कीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन भी प्रेस कर लीजिए मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। और मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।